नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सुबह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज सुबह से मेरी बहुत कम क्लास हुई आपके साथ। जी हां, केवल एडिटोरियल लिया, फिर दिन भर के लिए मैं गायब हो गया। कोई बात नहीं दोस्तों, आज कुछ मैं प्लान कर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ आज। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो मानव शरीर है ना, थोड़ा सा आलसी सब इंसान होता है। इसको थोड़ा सा आराम मिले ना तो आराम करना चाहता है। तो आज क्या हुआ, मैं प्लान किया कि मैं आज अपना स्टूडियो रीहॉल करूंगा, दोबारा इसकी रिपेयरिंग की जाएगी, मेंटेनेंस कराया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है आज। आज मैं सुबह सो रहा था आराम से। आज मैं रिकॉर्ड तोड़ सोया हूँ। दिन में आमतौर पर नहीं सोता हूँ आमतौर पर, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैं दिन में 3 बजे सोया और शाम को 8 बजे उठा। 5 घंटे में दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे नहीं मालूम था। 5 घंटे बाद जब उठा तो मैं देखा RBI की पॉलिसी भी आ गई, मेरी क्लास भी चली गई 5 बजे की, 41 मिस्ड कॉल, 41 मिस्ड कॉल भी आ गए मेरे पास। अब क्या किया जाए, कोई बात नहीं, माफ़ी मांगी जाए बच्चों से जिन्होंने मिस्ड कॉल किया है, जिन लोगों ने मिस्ड कॉल किया उनसे माफ़ी। दूसरा काम RBI की पॉलिसी आई, मैंने कहा चलिए पढ़ते हैं पहले RBI की पॉलिसी। फिर जाके देखा प्लस क्लास 9 बजे, मैंने देखा प्लस क्लास ही नहीं लगी आज तो 9 बजे। कुछ टेस्ट था वहाँ पर तो प्लस पे क्लास ऑफ हो गई। तो मैंने कहा चलिए 9:30 का टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, आधे घंटे कम से कम, और बात की जाए RBI पॉलिसी पर। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है टाइम का अब से लेकर रात तक। जी हाँ, अभी हम बात करेंगे 9:30 RBI पर, और 11 बजे मिला रहा हूँ इकोनॉमी क्लास आपके लिए, जिसमें हम चर्चा करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, AIIB और इस जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की। तो रात को 11 बजे देखिएगा दोस्तों मेरे साथ आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है और मैं आपको विजुअली यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं आई है। कभी कभी हो जाता है, मतलब आज मैं रिकॉर्ड तोड़ सोया हूँ, मतलब आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन सडनली बस मैं सोने का मन कर रहा था, मैं लेटा और नींद आई और मिस्ड कॉल सारे साइलेंट कर दिया था फ़ोन को मैं अपने। फिर उठा शाम में 8 बजे, मैं कहा अच्छा रात हो गई, मैं लगा सुबह हुआ है अभी शायद, चलिए हिंदू पढ़ना है, बैठ के देखा चलिए शाम के 8 बजे हैं अभी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपका बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ जाता है, तो ऐसे ही केमिकल लोचा मेरे साथ हुआ आज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन RBI की पॉलिसी, आप बात करेंगे RBI की नीति पर आपके साथ, क्या हुआ है RBI में, क्या हुआ है RBI की नई नीति में दोस्तों। तो लाइफ 2.0 जानते ही आप लोग, कल लॉन्च कर दिया हम लोगों ने आपके साथ। जी हाँ, चलिए ठीक है, ऑडियो वीडियो पहुंच रहा है आप तक, आइए शुरू करते हैं RBI की पॉलिसी से। जी हाँ, RBI की पॉलिसी की बात कर लें आपके साथ। RBI की पॉलिसी में क्या है, स्पेशल क्लास में आशीर्वाद सर की। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप अपडेट हो रहे हैं इस बारे में, न्यूज एनालिसिस, वन स्टॉप सॉल्यूशन, उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आ रहा है आपको, आपका जो प्यार वहाँ पर दिख रहा है मुझे, आपकी जो व्यूअरशिप दिख रही है, आपके जो कमेंट्स दिख रहे हैं टेलीग्राम पे, दिखाते हैं मुझे कहीं ना कहीं आपको ये शो पसंद आ रहा है। और पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम देखिए दोस्तों शो को, आपके लिए ये शो तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए मैं समझ रहा हूँ। आकृति सिंह कह रही है सर मैं कल रात 9 बजे से आज सुबह 8 बजे तक, ठीक है सोना चाहिए बच्चा लोग, सोना चाहिए सबको, सोना चाहिए, बढ़िया नींद लेनी चाहिए, तभी एनर्जी आती है, तभी ज़्यादा काम करने का मज़ा आता है, फ्रेश माइंड होता है। उम्मीद करूँ कि रात भर क्लास ली जाए, आज तो मैंने ऐसा कर रहा है, एनर्जी इतनी हाई है कि बिल्कुल रात भर क्लास चलने दी जाए इकोनॉमी के आराम से, लेकिन देखते हैं कितना कर सकते हैं हम लोग। बच्चों को साथ मिलना ज़रूरी, मैं तो सो लिया, बच्चे तो बच्चा सो ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ आप ये लोग देख रहे हैं। चलिए तो शुरू करेंगे RBI पॉलिसी फटाफट हम लोग, यहाँ पर समय थोड़ा सा कम बचा है, 22 मिनट का समय हमारे पास है, बात करनी 22 मिनट के अंदर पूरी हमको RBI की पॉलिसी पर। तो RBI की पॉलिसी में खास क्या है दोस्तों, खास क्या है आपकी स्क्रीन पर मैं स्विच कर रहा हूँ, पहले वो देख लीजिए फटाफट। पिछले घंटे से मैं ट्रांसलेट कर रहा था RBI की पॉलिसी का, तो कीवर्ड सुन लेते हैं। RBI ने पॉलिसी रेपो रेट कम कर दिया है दोस्तों, रेपो दर में कम कर दिया RBI ने। क्या कम कर दिया RBI ने पॉलिसी रेट में? जी हाँ, RBI ने 4.40 से रेपो कम कर दिया 4%, 3.75 हम बात चल रही थी यहाँ पर उसमें कमी कर दी, रिवर्स रेपो में 3.35, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो चल रही थी 4% कर दिया गया है, 4.25 कर दिया गया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को दोस्तों। तो सभी में सभी बैंक रेट में कम किया गया, ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये काम है रेपो और रिवर्स रेपो में कमी कर दी गई है दोस्तों। ये क्यों किया गया, इसके अलावा RBI के गवर्नर ने क्या कहा, बात उनकी भी करेंगे आपके साथ, क्या कहा RBI गवर्नर ने, उनके की पॉइंट्स क्या हैं, जो मुझे लगता है जो 3 चीज़ें काम की वो सुन लेते हैं हम लोग फटाफट, देखेंगे RBI की पॉलिसी में टेक अवेज क्या है। याद रखिएगा RBI बोलने का मतलब मेरा RBI, लेकिन एक कमेटी हमारे यहाँ काम करती है, एक समिति हमारे यहाँ काम करती है, नोन एज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, याद रखिएगा MPC। मैं बार बार RBI बोलता रहूंगा आपसे, लेकिन मीटिंग किसकी हुई है बेसिकली MPC की, मौद्रिक नीति समिति में 6 लोग होते हैं, 3 RBI की ओर से, 3 सरकार द्वारा नॉमिनेटेड, ये 6 लोग मेजोरिटी ज्यादा फैसला करते हैं क्या करना है रेपो, क्या करना है रिवर्स रेपो। इनकी मीटिंग चली 20 से लेकर 22 मई के बीच में, 3 दिन की मीटिंग चलती रही MPC वालों की, 6 मेंबर की, और 22 मई को सारी मीटिंग फैसले को सुनाया RBI गवर्नर ने आपको यहाँ पर, तो बात करेंगे उसमें। तो 3 दिन की मीटिंग के बाद 20, 21, 22 की मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया गया RBI, बोल रहा हूँ RBI की नीति, मैं समझिए MPC मौद्रिक नीति समिति, 6 मेंबर,
तीन आरबीआई के और तीन सरकार द्वारा नॉमिनेटेड, सरकार द्वारा मनोनीत लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ सब ठीक चल रहा है, मामला हमारा यहाँ पर तकनीकी रूप से ठीक चल रहा है। चलिए बात करें क्या क्या टेक अवेज है हमारे पास, क्या क्या इनके स्टेटमेंट हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर एक क्विक स्कैन कर दूँ इंग्लिश में, आप लोग उसको देख लीजिएगा क्योंकि अभी समय नहीं था दोनों भाषाओं मेरे पास बनाने का, इसको तो मैंने हिंदी बना दिया आपके लिए। इंग्लिश में आपको मैं दिखा देता हूँ स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है यहाँ पर। तो ये पूरा स्टेटमेंट जारी किया गया है सरकार या आरबीआई के द्वारा, यहाँ पर ये पूरा स्टेटमेंट आया है क्या क्या आरबीआई कर रही है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे काम करेगी, सारा स्टेटमेंट, डोमेस्टिक इकोनॉमी कैसे काम करेगी। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्विच करके बाद देख सकते हैं हम लोग उसको। तो इन्होंने बताया आरबीआई ने कि कैसे काम करेगी डोमेस्टिक इकोनॉमी, कैसे काम करेगी यहाँ पर घरेलू अर्थव्यवस्था, कैसे काम करेगी ग्लोबल अर्थव्यवस्था, कैसे काम करेगी पूरा यहाँ पर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या क्या हो रहा है, कोविड का असर, डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या असर पड़ने वाला है बात की आरबीआई ने। लगभग 4-5 पेज के डॉक्यूमेंट है ये। आउटलुक क्या है, क्या सोचता है आरबीआई, क्या होने वाला है, ये काम का डॉक्यूमेंट है इसमें। इसके अलावा दास साहब की स्पीच बहुत काम की है, दास साहब का जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया काफ़ी लंबा चौड़ा 14 पेज का स्टेटमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है इंग्लिश में, स्टेटमेंट दिया दास साहब को, उसको पढ़ के मैंने अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया आपके लिए छोटा सा, वो हम समझेंगे क्या क्या उनके कहा है उन्होंने अपनी स्पीच में, किन किन सेक्टर फोकस करना है सरकार को, उसकी बात कही गई है। चलिए सुनेंगे रहा क्या क्या हमारे पास है, उन्होंने क्या क्या कहा है अपनी स्पीच में। तो मैं इसको पीडीएफ को शेयर कर दूँगा आरबीआई वेबसाइट, वैसे तो ये पीडीएफ आरबीआई वेबसाइट पर रखे हुए हैं इंग्लिश में, हिंदी वाला ट्रांसलेट मैं पीडीएफ डाल दूंगा अभी टेलीग्राम ग्रुप पर थोड़ी देर बाद आपके लिए। अभी बात करते हैं क्या कहा आरबीआई गवर्नर ने, की पॉइंट्स या की टेक अवेज क्या हैं उनकी स्पीच के। दोस्तों हाईलाइट्स ऑफ आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास प्रेस कॉन्फ्रेंस, हाईलाइट्स क्या हैं इनकी सुनेंगे आराम से। पहली बात, आरबीआई गवर्नर ने आपको बताया है कि 2 महीने से लॉकडाउन में देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, मैं स्विच कर रहा हूँ, सब आप पढ़ पाएँ आराम से, स्क्रीनशॉट ले पाएँ हिंदी में, जो मेहनत की गई है आपके लिए उसको आप देख पाएँ आराम से। देश में आर्थिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर निगेटिव असर पड़ा है, सब समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर निगेटिव असर पड़ा है, बहुत सीधी बात है। जो टॉप 6 स्टेट हैं हमारे यहाँ, टॉप 6 स्टेट तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जो इंडस्ट्रियल काफ़ी बड़े हैं, वो उसके अधिकतर इलाके या तो रेड जोन में है या ऑरेंज जोन में है। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर, जिससे वहाँ पर इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही है। टॉप 6 स्टेट जो हैं, लाइक तमिलनाडु है, लाइक कर्नाटका है, लाइक महाराष्ट्र है, ये जो लाइक गुजरात है, ये जो स्टेट है हमारे यहाँ पर, या दिल्ली है हमारा, ये रेड जोन में काफ़ी, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका रेड जोन में काफ़ी बड़े स्केल पर, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। इनका मानना है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देश के अंदर होती हैं उनमें 60% तक इंडस्ट्री से आता है, तो ऐसे में इंडस्ट्री अगर बंद होगी तो काम नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट शब्द में लगता है वो ये बात कही इन्होंने, इन्होंने कहा है कि अप्रैल मंथ में ना ग्लोबल पीएमआई जानते हैं क्या होता है दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा पीएमआई वर्ड आपने सुना हो मुझसे, इकोनॉमी क्लास में पढ़ाया भी है मैंने आपको पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड्स, ग्लोबल पीएमआई जो जानते हैं आप लोग, सुना है आपने पीएमआई परचेज मैनेजर इंडेक्स जो एक तरह का सर्वे होता है कि मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है या देश में सर्विस सेक्टर कितना काम कर रहा है। परचेज मैनेजर इंडेक्स काफ़ी चर्चा हुई है इस इंडेक्स के बारे में, आप यूट्यूब पर जाएंगे, टाइप करेंगे आशीर्वाद सर पीएमआई, आपको मिल जाएगा एक लेक्चर मेरे को आया था इसके ऊपर, और जानकारी पढ़ना है तो आपको अगर, तो परचेज मैनेजर इंडेक्स की बात मैं कर रहा हूँ दोस्तों, वहाँ पर वो जो ग्लोबल पीएमआई है उसमें 11% की कमी आई, बड़ी बात है अपने आप में, बहुत बड़े स्केल पर 11 सालों के निम्न स्तर पर आ गया है, 11 सालों के मिनिमम लेवल पर आ गया, यानी आर्थिक मंदी थी 2008-09 में तब उतना नीचे आया था, उतना नीचे पहुंच चुका है, यानी ग्लोबल रिसेशन जो आया था 8-09 में उसके लेवल पर आ चुका है ग्लोबल पीएमआई आपका, या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई उस लेवल पर दोस्तों आ चुका है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़े आपके साथ, इसके अलावा ये कहना है कि डब्ल्यूटीओ के मुताबिक इस साल का जो ग्लोबल ट्रेड है वो 13-32% तक कम हो सकता है, 13-32% डब्ल्यूटीओ कह रहा है कि इस साल का ग्लोबल ट्रेड कम हो सकता है, व्यापार कम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। इसके अलावा देश में भी डिमांड की बहुत कमी आ गई है, देश में भी डिमांड बहुत कम हो रही है, कहना है आरबीआई का, देश में भी डिमांड की बहुत कमी देखी जा रही है, ये कहना है आरबीआई का दोस्तों। इसके अलावा सुनिएगा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें, इनकी खपत में भी कमी आई है, इनके कंजम्पशन में भी कमी आई है, ये कहना है आरबीआई का, इनके कंजम्पशन में भी कमी आ रही है। ऑफ कोर्स बिजली की डिमांड कम हो गई, दुकानें बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, पेट्रोलियम डिमांड कम है, ऑफ कोर्स समझ सकते हैं आप। प्राइवेट कंजम्पशन में भी भारी गिरावट आई है, प्राइवेट कंजम्पशन भी लगातार कम हुआ है, निजी खपत में भी खासी गिरावट देखने को मिली है। और डिमांड नहीं होगी दोस्तों तो क्या होगा, सप्लाई भी नहीं होगी, और सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, डिमांड नहीं तो सप्लाई नहीं, सप्लाई नहीं तो क्या होगा, रोजगार नहीं और गरीबी व्याप्त होगी। अच्छा आपको साइकिल याद है सर का, आशीर्वाद सर का नहीं याद है, आइए फटाफट आशीर्वाद सर के साइकिल पर चलते हैं खजाने में लेकर, खजाना खुल जा सिमसेम हमारे पास कहाँ मिलेगा, डिमांड सप्लाई का साइकिल हमारा, डिमांड सप्लाई का साइकिल इकोनॉमी क्लास में होगा, इकोनॉमी के अंदर चलेंगे आपको कहाँ मिलेगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अंदर चलेंगे, मेंस का टॉपिक है, नीचे आएंगे पॉवर्टी डिमांड,
दोस्तों समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, प्रयास करिए समझ में आ जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ आएगा आपको ये साइकिल। ये समझ में आ रहा है दोस्तों, ये साइकिल क्या है आराम से समझिएगा आप। टाइम दे रहा हूँ मैं आपको 3 सेकंड का, क्लिक कर लीजिए 1 2 3 क्लिक। देखिए इनका मतलब क्या है, साइकिल समझिएगा। पॉवर्टी, ये कॉपीराइट आशीर्वाद सर का, पॉवर्टी गरीबी, गरीबी से क्या होगा, प्रोडक्शन उत्पादन में कमी आएगी, लोगों की आय कम होगी, मांग कम होगी, मांग कम होगी तो लोग निवेश नहीं करेंगे, पूंजी नहीं लगाएंगे, निवेश नहीं होगा तो उत्पादन में और कमी आएगी, रोजगार नहीं मिलेंगे तो गरीबी और बढ़ेगी। साइकिल वही है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट साइकिल, उसी को आशीर्वाद से दूसरे रूप से दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर आज। पॉवर्टी, लो प्रोडक्शन, लो इनकम, लो डिमांड, लैक ऑफ कैपिटल, लो इन्वेस्टमेंट, लो प्रोडक्शन, ये एक साइकिल है जो फंसा हुआ रहता है आप समझिएगा। लो डिमांड होगी तो क्या होगा, अगर जो कह रहे हैं आरबीआई गवर्नर कि इस साल डिमांड में कमी आएगी तो लैक ऑफ कैपिटल, लोग पूंजी लगाएंगे, निवेश नहीं करेंगे, और निवेश नहीं होगा जीडीपी नीचे आएगा, जीडीपी नीचे आएगा तो देश में आय नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो लोग गरीब होते जाएंगे, ये एक साइकिल आशीर्वाद सर का। इसके अलावा एक साइकिल और है सर के पास, इसको भी देख सकते हैं आप चाहें तो। पॉवर्टी, कम आय, कम आय से कम बचत, कम बचत से कम निवेश, और कम निवेश से कम आपूर्ति भी, ये एक साइकिल है बेसिकली सर, याद कर सकते हैं आप आश्वस्त सर के, समझने के लिए है ये साइकिल मदद करेंगे समझने में आपकी चीज़ें क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं जनाब, सुन लीजिए, आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं जनाब प्राइवेट कंजम्पशन कम होने वाला है, यानी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो दोस्तों मुश्किलें आने वाली हैं देश के लिए, देश के लिए अच्छी खासी मुश्किलें हमारे लिए आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फटाफट, 12-13 मिनट का समय हमारे पास है, आराम से हो जाएगी, पॉलिसी की चिंता मुझे नहीं है। अगला आइटम जो है यहाँ पर, आरबीआई कह रहे हैं भैया सुन लो, जो ये एग्जिम बैंक है ना, एग्जिम बैंक हमारा, एग्जिम बैंक जानते हैं नाम सुना, एग्जिम बैंक का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, चर्चा हुई है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक क्या होता है मालूम है आपको, जो मदद करता है व्यापार देने में, व्यापार साख देने में, तो 15,000 करोड़ का एक्सटेंड लाइन दी है यहाँ पर आरबीआई ने, उसको लोन दिया एक्सिम बैंक को कि भैया जाओ व्यापारियों को बांटो, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करो। सिडबी को भी दिया गया है, सिडबी को पैसा दिया गया है, और सिडबी अगले 90 दिनों तक इसका यूज़ कर सकता है, सिडबी को टाइम दे दिया है अधिक यूज़ करने का। ठीक है दोस्तों, इन पॉइंट बात है, इन पॉइंट बात आगे ले चलूँगा आपको यहाँ से, मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से मैं। आरबीआई क्या कह रहा है, आरबीआई के मुताबिक खरीफ जो बोई जा रही है, जून जुलाई में खरीफ बोई जाएगी देश के अंदर, उसमें 44% की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी अधिक खरीफ बोई जा सकती है, लेकिन दालों का उत्पादन कम रह सकता है। जी हाँ, दालों का उत्पादन साल कम रह सकता है, जिससे क्या होगी दोस्तों, महंगाई बढ़ सकती है, ये आरबीआई कंसर्न है। इस साल दालों में महंगाई बढ़ सकती है, आरबीआई चिंता जाहिर कर रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए आराम, समझिएगा दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए सब ठीक चल रहा है, मामला सब ठीक चल रहा है, फटाफट लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों बिना रुके बिना सके। एक्सपोर्ट क्रेडिट की अवधि बढ़ाकर 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दी गई, जानते हैं इसका मतलब क्या दोस्तों, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट निर्यात साख बढ़ा दी गई है। आइए सर की बात सुनते हैं, निर्यात साख का मतलब क्या होता है। आशीर्वाद, तुम्हारी कंपनी एपीएल एक्सपोर्ट करती है माल? जी सर करती है। एक्सपोर्ट करके पेमेंट मिलता है हल्की या नहीं? सर वो कहते हैं कल आना पेमेंट के लिए, परसों आना, कई बार 6 महीने बाद देते हैं, कई बार 1 साल बाद देते हैं। अच्छा, वो 6 महीने पेमेंट जब देगा 6 महीने बाद, तब तक तुम कैसे काम चलाओगे? तुमने सामान बेचा $1 मिलियन का, एक्सपोर्ट करके आए, तुम निर्यात करके आए, पैसा उसने तुरंत दिया नहीं, तुम्हारी छोटी सी MSME बेचारी कैसे चलाओ काम? सर क्या करें, खाली बैठेंगे दुकान बंद करके? कोई बात नहीं आशीर्वाद, तुम उससे बैंक, मैं हूँ सरकार, तुम मेरे बैंक से लोन लेके जाओ, 6 महीने काम करो दुकान का, जब पेमेंट आ जाए बाहर वाली पार्टी से तब चुका देना लोन, ब्याज मामूली सा ब्याज लगेगा तुम्हारे ऊपर। बड़ी अच्छी बात है यार, एक्सपोर्ट क्रेडिट, जो मैंने एक्सपोर्ट किया है उसके बदले सरकार मुझे क्रेडिट दे रही है। आशीर्वाद, तुम्हारा पैसा जब आए विदेश से तब तुम लौटा देना आराम से। अब कितना होता है, अभी 12 महीने के अंदर लौटाना पड़ता है, अभी जो पैसा मुझे मिलता है बैंक से मुझे लौटाना पड़ता है 12 महीने के अंदर, अब उसको बढ़ाकर आरबीआई ने कर दिया है जनाब 15 महीने। जी हाँ आशीर्वाद, तुम ले जाओ लोन, पार्टी जब पैसा दे 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 देना, 15 महीने तक का टाइम, 15 महीने तक का टाइम तुम्हारे पास, तुमको एक्सटेंड कर रहा हूँ। पहले 12 महीने चुकाना होता था, 15 महीने में चुका देना आराम से, कोई समस्या की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। अब इसके अलावा और क्या करेंगे दोस्तों, और क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, और क्या करने वाले हैं इसके अलावा। आरबीआई ने एक बड़ा फैसला किया है, जो ईएमआई की अवधि 3 महीने तक बढ़ाई थी मार्च अप्रैल मई के लिए, उसे बढ़ा दिया गया 3 और महीने के लिए। जी हाँ, आरबीआई ने ईएमआई छूट, लोन मॉटरियम या ईएमआई पर माफ़ी जो अभी आरबीआई ने दी थी कि आप ईएमआई मत भरिए, जब स्थिति बेहतर हो जाए देश की तब भर सकती हैं ईएमआई आप, तो ईएमआई जो लोन ले चुके हैं, पर्सनल लोन चुके हैं, हाउसिंग लोन चल रहे हैं, टर्म लोन चल रहे हैं, जिनके जिन्होंने ऋण लिया है बैंकों से, वो 3 महीने तक और ईएमआई ना दें, उनको छूट दी गई है 3 महीने के लिए और यहाँ पर।
मार्च वाली अपनी पॉलिसी में भी 3 महीने छूट दी थी आरबीआई ने, फिर छूट दी है 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए आरबीआई ने अगस्त तक एक्सटेंड कर दिया गया है लोन मॉरेटोरियम को, यानी कि एक प्रकार से ऋण माफ़ी नहीं कहूँगा मैं, आप पर ईएमआई के विस्तार को, यानी आपका लोन 3 साल में ख़त्म होना था और वो 3 साल 6 महीने में ख़त्म होगा, तो 6 महीने तक आप ईएमआई मत दीजिए, उसके बाद 6 महीने एक्सटेंड होगा आपका लोन। और इस बार आरबीआई ने कह दिया है कि लोन ना देने से मैं ईएमआई नहीं दूंगा तो मेरी क्रेडिबिलिटी पर, मेरी सिविल स्कोर पर, मेरी साख पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आशीर्वाद ने 6 महीने का ईएमआई नहीं दिया तो बैंक उसकी साख को नहीं बिगाड़ेगा, उसके क्रेडिट स्कोर को नहीं बिगाड़ेगा, ये आरबीआई ने क्लियर कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया, कितना, $9.2 बिलियन बढ़ गया है, ये कहना है आरबीआई का। दोस्तों आरबीआई का कहना है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है $9.2 अरब, यहाँ पर मुश्किल नहीं होना चाहिए समझने में दोस्तों। ठीक है, मामला ठीक चल रहा है सारा, यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है, जो काम की बात है समझिएगा, वही काम की बात दोस्तों ये आई है यहाँ पर। इसके अलावा काम की बात जो ये है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, जो एमसीपी जो हमारी है, मॉनेटरी कमेटी पॉलिसी जो है, एमपीसी बोलते हैं हम लोग, इसके मुताबिक सेकेंड हाफ जो होगा इस साल का 2020-21 का जो सेकेंड हाफ है, यानी कि अप्रैल मार्च स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेकर सेप्टेम्बर तक, अक्टूबर से लेकर जो मार्च का महीना होगा अगले साल, अक्टूबर से मार्च, इसमें महंगाई की कमी आ सकती है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है अभी, राइट नाउ महंगाई बढ़ गई है, ये कहना है आरबीआई का कि अभी 6 महीने महंगाई अधिक रहेगी, उसके बाद 6 महीने बाद महंगाई में कमी आ सकती है। जो मैंने आपको थोड़ी पहले कहा कि डिमांड में कमी का असर क्या होगा, निवेश में भी भारी कमी आएगी, डिमांड कम हो गई दोस्तों तो साइकिल में दिखा रहा था पीछे, आरबीआई ने क्लियर कर दिया यहाँ पर। आशीर्वाद जी आपका अनुमान सही है, अगर निवेश कम होगा, अगर डिमांड कम होगी, अगर डिमांड अगर कम आएगी तो क्या होगा, निवेश कम होगा, आप सही कह रहे हैं आशीर्वाद सर, बिल्कुल सही बताया क्लास में बच्चों को आपने कि डिमांड कम होगी तो निवेश भी कम हो सकता है, ये कहना है आरबीआई का। ये कहना है आरबीआई का दोस्तों, वो आप देख रहे थे पीछे मेरे साथ यहाँ पर, वो इधर चाह आपको मैं यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। तो आरबीआई मांग में कमी कारण निवेश में भारी कमी आई है, और अप्रैल में देश का एक्सपोर्ट भी कम हो गया है, देश के निर्यात में भी कमी आ गई है। मैं बताया था डिमांड कौन कौन करता है, हम और आप करते हैं, गांव के लोग करते हैं, सरकार करती है, एक्सपोर्टर करता है, हम आप कर नहीं रहे, सरकार की डिमांड बहुत कम हो गई है, एक्सपोर्टर कुछ कर नहीं रहा क्योंकि एक्सपोर्टर कितने कम हो गए हैं, 60% कम हो गया, यानी कुल मिलाकर एंड ऑफ द डे देश में डिमांड कम हो गई है, डिमांड कम होगा मतलब इन्वेस्टमेंट कम होने वाला है, हो गया है इन्वेस्टमेंट कम देश के अंदर। आप सुनिएगा जो मैं बहुत लंबे समय से बोल रहा था, वर्ल्ड बैंक ने कहा था जनाब कि 2% रहेगी, IMF ने कहा था 1.9% रहेगी, मैंने उस दिन भी कहा था आपसे 3-6 महीने पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था, इस साल भारतीय ग्रोथ रेट निगेटिव रह सकती है, 0% रह सकती है, RBI ने मुझे सही साबित किया, पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट निगेटिव रह सकती है। जी हाँ, जो मैं आपसे लंबे समय से बोल रहा था, वर्ल्ड बैंक ने कहा था 1.9%, IMF ने कहा था 2% के आसपास, मैं तब भी कहा था इस साल ग्रोथ रेट 0 भी हो जाए तो बड़ी बात होगी, और इस साल RBI का मानना है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 21 ये ग्रोथ रेट निगेटिव रह सकती है। जी हाँ, ये RBI कह रहा है निगेटिव रह सकती है ग्रोथ रेट, यानी हम लोग सही हैं। उन्होंने बताया कि हाँ सेकेंड हाफ में स्थितियाँ सुधर सकती हैं, लेकिन सुधरना नहीं है दोस्त, बता दूँ क्यों नहीं सुधरना है, क्योंकि RBI खुद बोल चुका है अगस्त तक एक्सटेंड कर रहा है सब चीज़ों को, वो अप्रैल मई जून खत्म होने वाला है, पहली तिमाही खत्म हो गई, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर दूसरी तिमाही में कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं हम लोग ज़्यादा ग्रोथ की, तो बहुत अच्छी नहीं होगी। हाँ, अक्टूबर महीने से दिवाली का सीजन शायद अगर COVID-19 में काबू पा लिया हम लोगों ने तो अक्टूबर से स्थितियाँ बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अभी 3 महीने स्थितियाँ बेहतर होने की संभावना नहीं के बराबर है दोस्तों। तो ऐसे में जो मैं आपसे लगातार बोल रहा था ग्रोथ रेट नेगेटिव रह सकती है, RBI ने स्वीकार कर लिया कि आशीर्वाद सर आप जो क्लासें पढ़ा रहे थे वो सही पढ़ा रहे थे, ग्रोथ रेट नेगेटिव रह सकती है, हाँ सेकेंड में सुधार हो सकता है। कि मैं आज फिर कह रहा हूँ आपसे, बोल रहा है आरबीआई सुधार, मैं मानता हूँ ग्रोथ रेट 0% भी रहे सेकेंड क्वार्टर में भी 0% रहे तो बड़ी बात मानूंगा मैं। हालांकि एक अच्छी बात ये रह सकती है इंडिया के फेवर में, जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में लास्ट ईयर बहुत कम उत्पादन हुआ था, लास्ट ईयर देश इतना जो बाढ़ आई हुई थी जिसका उत्पादन कम था, तो इस बार उत्पादन उतना भी रह गया तो शायद थोड़ा भी बढ़ गया तो 1-2% ग्रोथ दिख जाएगी आपको, लेकिन मेरा मानना है कि ग्रोथ 0% के आसपास ही रुकने वाली है सेकंड हाफ में भी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, खुशी मुझे नहीं मिलेगी इस बात से, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है समझ पाए हम लोग यहाँ पर। ठीक है बहुत बढ़िया, सब चलने दीजिए, मामला पसंद आता तो लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, उसको रुकना नहीं चाहिए।
सेकंड नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों, और क्या स्लाइड में और क्या हिंदी स्टेटमेंट में बताए हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि मौजूदा हालतों में एग्रीकल्चर से काफ़ी उम्मीद है देश को, कृषि से उम्मीद लग रही है, कृषि तो करना ही है और करेंगे देश में ना, बेचारे मजदूर गए हैं गाँव में तो खेती तो करेंगे और क्या करेंगे, तो कृषि से उम्मीद करना ठीक है, जायज़ इस समय मानसून भी सामान्य आने वाला है, मानसून भी अच्छा आने वाला है, तो कृषि से सरकार को उम्मीदें हैं, अच्छी बात है। प्राइवेट कंजम्पशन कम हो गया है, देश का फॉरेक्स कितना हो गया दोस्तों, फॉरेक्स हो गया देश का फॉरेक्स हो गया है 48.7 बिलियन डॉलर दोस्तों, याद कर लीजिएगा, याद नहीं करना है, बदल जाएगा फिर आपके एग्जाम तक आते आते, याद नहीं करना, कुल लाके बढ़ रहा है इस संकट के समय भी। कंजम्पशन में कमी आई है 33% की, ये मानना है डिमांड कम होगी, मैं सीधी कहा डिमांड कम होगी, अगर डिमांड कम हुई तो क्या होगा दोस्तों, डिमांड का असर पड़ेगा सप्लाई पर, इन्वेस्टमेंट पर, डिमांड कम हो रही है, आरबीआई बार बार कह रहा है इस बात को। चलिए भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई कितना रहा है मालूम है आपको, 27.4% अप्रैल महीने के लिए पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग कितना रहा है दोस्तों, 27.4%, याद है आपको ये 50 होता है तो हम कहते हैं 0% ग्रोथ, 50 है मतलब कोई ग्रोथ नहीं, जहां थे वहीं हैं, 50 के ऊपर तो आप कहते हैं ग्रोथ है, 50 से कम मतलब निगेटिव होना, ग्रोथ नहीं हो रही है, आरबीआई 50 से कम मान रहा है, होल्ड डाउन आपको मालूम है, आप नोटिस कर रहे हैं मैं आपको 3 बार पीएमआई का नाम ले चुका हूं, पीएमआई ग्लोबल स्केल पर, हमारा पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पर, सर्विस पीएमआई, आरबीआई की स्पीच में पीएमआई शब्द बार बार आ रहा है, वो यूज़ नहीं कर रहा इंडेक्स ऑफ आईआईपी को, वो यूज़ नहीं कर रहा अपने देश के डेटा को, आपको जब डिबेट में आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले जब मैं बात कर रहा था इकोनॉमिक क्लास में, जब इंडेक्स समझा रहा था आपको मैं ये मार्च अप्रैल के महीने में, तो मैंने कहा था भारत सरकार का मन है कि पीएमआई की ओर जाया जाए, आईआईपी जो हमारा खुद का इंडेक्स है, सरकारी इंडेक्स है आईआईपी वर्सेस पीएमआई, डिबेट मैंने कराई थी आपको उस समय तब की क्लास में, पीएमआई समझाया था मैंने, तो मैंने कहा था सरकार का मूड है पीएमआई इंडेक्स योजना, आईआईपी हमारा खुद का है, पीएमआई निजी कंपनी जारी करती है, हमें खुद के आंकड़ों भरोसा नहीं है, हमारे खुद के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी के जो आंकड़े आते हैं हमें उस पर भरोसा नहीं हो रहा, वो जारी करता है हमारा सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उस पर भरोसा नहीं है हमको, हम एक निजी कंपनी द्वारा जारी पीएमआई आंकड़ों पर विश्वास कर रहे हैं, दैट शोज समथिंग, भारत का अब आरबीआई इंडायरेक्टली चला गया, आरबीआई स्पीच में आप सुनिए, सीएसओ का नाम कहीं भी नहीं है, आईआईपी का नाम कहीं भी नहीं है पूरी स्पीच में, उनकी स्पीच में जगह जगह यूज़ कर रहे हैं पीएमआई, यानी कहीं ना कहीं आरबीआई जा रहा है पीएमआई की ओर, और ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहा है मेंस ऑफ पीटी के लिए, आंकड़ों पर तो है ही है, पीएमआई इंडेक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन जारी करता है, बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर होता भी क्या नहीं होता है, 50 का आंकड़ा क्या है, यूनिट वाइज कम होना, 50 से अधिक होना, इसके प्लीज़ देख लीजिएगा आशीर्वाद से क्लास पीएमआई पर टाइप करके अनअकैडमी यूपीएस चैनल पढ़ाया, बड़े घंटे तक मैंने इसको समझाया है, डिबेट समझाई है आपको वहां पर, प्लीज़ देख लीजिएगा, मेरा अनुमान है क्वेश्चन जरूर बनेगा, आरबीआई के स्पीच में इस बार पीएमआई शब्द को कई बार यूज़ किया है, वो मूव कर चुके हैं इंडेक्स की ओर, समझेंगे दोस्तों, अंतिम 2 मिनट मेरे पास हैं, अंतिम 2 मिनट का समय मेरे पास है, फटाफट आगे बढ़ेंगे आपके साथ, तो रिवर्स रेपो घटा दीजिए, बताया रिवर्स रेपो कितनी हो गई दोस्तों, 3.35 हो गई रिवर्स रेपो हमारी यहाँ पर, 3.35 हो गई रिवर्स रेपो, 3.75 से रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी कर दी है, 4.40 से कम होकर 4 आगे बता दिए स्टार्टिंग मैंने आपको आते ही यहाँ पर, ये थी बातें आपके साथ, इसमें कुछ और जोड़ना है नहीं, आइए एक बार ये भी देख लेते हैं आपके साथ, इनको भी देख लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, स्टेटमेंट की बात मैं कर दूँ दोस्तों यहाँ पर, इसके अलावा और क्या किया गया है आरबीआई की पॉलिसी में देख लीजिए, आरबीआई की पॉलिसी में एमएसएफ और जो बातें थी बताया स्टार्टिंग मैंने आपको यहाँ पर, एमएसएफ था जो 4.65 से 4.25 कर दिया गया है, तो 4.65 से 4.25 बैंक रेट 4.65 से 4.25 ये टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं दोस्तों, इसके लिए प्लीज़ ट्रेडिशनल लेक्चर आप देख लेंगे, रेपो रिवर्स रेपो एमएसएफ बैंक रेट क्या होते हैं उसको आप देख लेंगे ट्रेडिशनल नोट से, अपने ट्रेडिशनल क्लासेस से टाइप करेंगे गूगल पर, यूट्यूब पर टाइप करेंगे आशीर्वाद सर आरबीआई मिल जाएंगे आपको, काफ़ी सारे लेक्चर हैं, 2 लेक्चर हैं मेरे आरबीआई की टेक्नोलॉजीज पर, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों मैं, इसको आप देख लेंगे आराम से, तो यहां पर ये खत्म होता है आरबीआई की पॉलिसी हमारी, ठीक है मुश्किल नहीं होगी, 10 बजे मैम की क्लास है आपकी, रजनी मैम की क्लास आएगी 10 बजे, तो ये मुझे आपको जानकारी देनी थी, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों जानकारी पहुँच गई है, कैसा लगा पहुँच के लेक्चर, मज़ा आ गया होगा, 20 मिनट के अंदर पूरी पॉलिसी तैयार हो गई आपकी, तो इसी एनर्जी से पढ़ना है आपको अभी, 11 बजे फिर मिलिएगा मुझे आप लोग यहाँ पर, हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल मल्टी इंस्टीट्यूशनल बैंक्स जो हैं ये जो संस्थाएं हैं इनकी बात मैं करूँगा 11 बजे आपके साथ, तो मिलेंगे 11 बजे आपसे, रात को 11 बजे क्लास होगी अपनी, शाम में 11 बजे कहना चाहिए मुझे, माफ़ कीजिएगा अभी तो शाम भी तो अभी लोग जगे हैं ना, अभी तो सो के उठाऊंगा यार, अभी तो एनर्जी भरी हुई है, तो एनर्जी निकालेंगे हम लोग 11 बजे क्लास में, आराम देखते हैं टॉपिक क्या क्या बात करने के लिए, पहुंच गई दोस्तों तो फिर मिलते हैं हम लोग आपके साथ, रजनी मैम से क्लास सुनिएगा आराम से आप, मिलता हूँ मैं 11 बजे आपके साथ, तब तक लिए दीजिए मुझे आज्ञा अपने दोस्त को, मिलेंगे आपसे 11 बजे, तब तक लिए थैंक यू शुक्रिया जय हिंद।